खूबसूरती की मिसाल ताजमहल पर चिराग तले अंधेरा वाली कहावत खूब लागू हो रही है। आपको बता दें कि ताजमहल से 100 मीटर की दूरी पर गंगा जल की लाइन फटने से सड़क पर सैकड़ों लीटर पानी बह गया। कई दुकानों में पानी भरने से दुकानदारों को नुकसान भी हो गया। आपको बता दें कि घंटों से पर्यटक कीचड़ और गंदे पानी के बीच से गुजरकर ताजमहल जाते रहे। घंटों बाद स्मार्ट सिटी की टीम आकर सुधार का काम शुरू किया। आपको बता दें दुनिया के सातवें अजूबे ताजमहल के पश्चिम गेट के निकट की ओर दुनिया के सातवें अजूबे ताजमहल के पश्चिम गेट के निकट आरके स्टूडियो चौराहा के पास सड़क पर पानी की लाइन पट गई। तेज रफ्तार में गंदा पानी सड़क पर बहने लगा। कुछ ही देर में काफी दूर तक पूरी सड़क जलमग्न हो गई। आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों में पानी भी भर गया और काफी सामान खराब हो गया। वहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गंगा जल की लाइन बिछाने के बाद नगर निगम ने मीटर लगाए हैं और लोगों से महीने के हिसाब से पानी का बिल वसूलने की शुरुआत की है। आपको बता दें शनिवार को वीकेंड के कारण ताजमहल में काफी संख्या में पर्यटक आते रहते हैं। पर्यटकों को कीचड़ और पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं आसपास की मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे नमाजियों को भी काफी परेशानी हुई। सफाई व्यवस्था के लिए जिम्मेदार लायंस सर्विस लिमिटेड के कर्मचारी तनख्वाह न मिलने के कारण हड़ताल पर हैं। इसके चलते घंटों सुधार का कोई काम नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।